अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जुबैर। न्यू वीडियो में आप सबका खुशामदीद है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं हैदराबाद से हुसैनी आलम के पास से, जैसा आप लोग जानते हैं ताहिर भाई मेंडेवाज है इनके पास में। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर रामपुरी, विलायती, कर्नाटक और हैदराबादी के अंदर भी माशाल्लाह काम करते हैं। तो अब यहाँ की हम जो वीडियो बना रहे हैं ताहिर भाई के पास में, तो ताहिर भाई के पास में जैसा आप लोग देख रहे हैं जेट ब्लैक कलर के अंदर आपको बड़े बड़े हॉर्न्स और बड़े हथियार के अंदर आपको यहाँ पर हम कुछ रामपुरी मेल्स बता रहे हैं। तो हम ताहिर भाई से बात करेंगे, एक एक जानवर की हम पूरी डिटेल लेंगे ताहिर भाई से। तो हमारे साथ ताहिर भाई है, थोड़ा हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे है ताहिर भाई आप? माशाल्लाह ताहिर भाई जानवर तो बहुत अच्छा लेके आए आप रामपुरियों में। तो ताहिर भाई ये टोटल कितने रामपुरियां हैं आपके पास अब? जी भाई अभी तो फिलहाल तीन रामपुरी है भैया। तीन है रामपुरियां? जी तीन है, चार रामपुरी है। चार रामपुरी है माशाल्लाह। तो इन लोगों की एक एक डिटेल बताइए। जो जो फर्स्ट वाला है सामने वाला, ये जो वाला? नहीं नहीं ये वाला सबसे फर्स्ट। हाँ छोड़ दीजिए इसको, इस हाँ इसकी बात बताइए। ओके, और इसकी लड़ाई एक नंबर चालू है। चालू है जी, चालू है, एक नंबर लड़ाई चालू है। इधर ये मसला, एक आंख बचपन से गई है उसकी, बचपन से एक आंख गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बच्चा एक नंबर लड़ेगा। अच्छा ये वाला? जी भाई ये बच्चा देखिए दूध के रास्ते में भी। अच्छा ओके, एक नंबर क्वालिटी जो बच्चा ब्रीड लाइन का है। अच्छा लड़ाई चालू, अल्लाह क्या तो किसी को बताना चाहिए वीडियो तो बता दिए। अच्छा तो ताहिर भाई ये कितने महीने का है बच्चा? अभी 8 से 7 महीने का बच्चा है। आठ, वेट कितना आएगा वजन इसका? वेट आएगा 30 से 32 किलो आएगा। इतना 30 से 32 किलो आएगा। तो ताहिर भाई पीछे वाला एक आपके पास एक और एक मेंढा है यहाँ पर जी, हाँ इसका बताइए। ये दूध के जाते हैं ओके, ये अच्छा ब्रीड लाइन का है। अच्छा ये बच्चे की लड़ाई चालू है? इसकी भी चालू है, इसकी भी चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी रामपुरी बच्चे अपने पास। ओके अल्हम्दुलिल्लाह पूरों की लड़ाई चालू है। तो ताहिर भाई इसका आस्किंग प्राइस कितना रहेगा? जी भाई इसका आस्किंग प्राइस 11,500। ये जो वाला पीछे वाला आया वो दो वालों का, तीनों का रेट बताइए। जी भाई देखिए 11,500 रूपए से तीन बच्चे है, और ये जो बच्चा है ये 13,000 रूपए में रहेगा। ये 13,000 में आएगा, 13,000 रुपए में आएगा। इसके हथियार भी भारी है। ओके और ये बच्चा लंगर से इसका बहुत बड़ा बच्चा। ओके तो ताहिर भाई ये इसके सिंगापुरों के खींचे से खींचना है? नहीं जी, खींचे में रेडी बच्चे था, खाली रखे पालने के बच्चे। ये पूरे चारों भी? ये चारों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रखे पालना खाली। अच्छा दूध के रखते हैं? दूध के रखते। तो ताहिर भाई एक का तो आप 11,500 बताए, दूसरे का क्या बता रहे हैं ताहिर भाई आप? जी भाई इसका 12,500 को आएगा। ये 12,500 को आएगा, दूसरे 11,500 को आएगा। 11,500 रुपए देंगे, नंबर वन क्वालिटी बच्चे। ये कहाँ जिसको बोलते हैं रामपुरी? ये बच्चे कहाँ से मंगाए आप चारों? ये रामपुर से मंगाए आप? ओके माशाल्लाह। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपको रामपुरी मेल्स बता रहे हैं हम। तो कुछ इनके पास के दूसरे भी जानवर हैं, हम दूसरी पार्ट में बताएंगे। तो ताहिर भाई एक बार नंबर बताइए ताहिर भाई आपका। ओके तो ताहिर भाई कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ आप माल मंगाने वाले थे कुर्बानी का? अभी तो देखिए बारिश का मौसम है, वो हिसाब से रुक गए, जानवर जंगल में रुके हुए हैं। अच्छा इंशाल्लाह अगर किसी भाई को विलेज की कम रेट में चाहिए 20,000-21,000 के जानवर भी मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा और विलेजी के फीमेल भी अवेलेबल है। अच्छा इंशाल्लाह एक दो चार दिन में आ जाएंगे वो जानवर। अच्छा टोटल कितने जानवर आ रहे? देखिए साहब अपन कोटे का जानवर मंगा रहे पलावा, जो हैदराबाद में आती की सेट होना जानवर। ओके इंशाल्लाह वैसा जानवर देंगे अपन अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकलीफ ही ना हो गिराक को भी पैसा खर्चा करने में। बराबर जैसे की अब देखिए जानवर लाते हैं मंडी से मरिया था जानवर जी, वैसा जानवर नहीं आएगा इंशाल्लाह, अच्छा जानवर रहेगा। ओके देखिए उसके तक आपको वीडियो फोटो डालूंगा, उसके बाद में अगर आपको पसंद है जानवर तो आप एडवांस डालना पड़ेगा 500,000 रूपए, उसके बाद जानवर ले जाओ पूरे बच्चे डालना। चलिए ओके माशाल्लाह। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए आपका ताहिर भाई।